हाय एवरीवन, दिस इज नेहा। वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो हमारी कल वाली क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट करा था हमारे बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 10 फाइनेंशियल मार्केट। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक गिवन है, पहले वो वीडियो देख लो देन इस वीडियो पर आना ताकि चीजों को रिलेट कर सको। तो पहले 5 मिनट हम लोग रिवाइज करते हैं कि कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, देन आगे की बातें डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम लोगों ने देखा था फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। देखो, ये जो फाइनेंशियल मार्केट होता है ये एक लिंक का काम करता है। ये किसे कनेक्ट करता है? ये हाउसहोल्ड सेक्टर को कनेक्ट करता है बिजनेस फर्म्स के साथ में। कैसे कनेक्ट करता है? देखो, हमें पता है बिजनेस फर्म्स यानी कि कंपनीज वगैरह ये अपने शेयर्स इशू करती हैं, अपने डिबेंचर्स इशू करती हैं, बॉन्ड्स इशू करती हैं और हम लोग उन शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह को परचेज करते हैं। तो हमारे पास में जो सरप्लस मनी है, हमारे पास में जो एक्स्ट्रा पैसा है, वो हमारे से किनके पास में जाता है? बिजनेस फर्म्स के पास में जाता है। बदले में ये बिजनेस फर्म्स हमें सिक्योरिटीज इशू करते हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह, म्यूचुअल फंड्स वगैरह, और ये बिजनेस फर्म्स उस पैसे को फर्दर यूज करते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट करते हैं। कोई नया लैंड खरीदेंगे, कोई प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करवाएंगे, कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। तो ये जो फाइनेंशियल मार्केट है ये लिंक का काम करता है। ये किसे कनेक्ट करता है? हाउस होल्ड सेक्टर को कनेक्ट करता है बिजनेस फर्म्स के साथ में। उन लोगों को कनेक्ट कर रहा है जिनके पास में सरप्लस मनी है। किसके साथ में? उन लोगों के साथ में जिनके पास में पैसे की कमी है। ये उस पैसे को यूज करना चाहते हैं, उस पैसे को कहीं पर इन्वेस्ट करना चाहते हैं ताकि वो फर्दर प्रोडक्शन कर सके। तो समझ में आया फाइनेंशियल मार्केट क्या होता है। फिर हम लोगों ने देखा था फाइनेंशियल मार्केट के क्या फंक्शंस होते हैं। भाई, फाइनेंशियल मार्केट जो है वो सेविंग्स को चैनलाइज कराता है। वो हाउस होल्ड सेक्टर के पास में जो एक्स्ट्रा पैसा पड़ा है उस पैसे को ले जाके किसको देता है? बिजनेस फर्म्स को देता है, ताकि बिजनेस फर्म्स उस पैसे को किसी प्रोडक्टिव जगह लगा सके, उस पैसे का कोई प्रोडक्टिव यूज हो, कुछ एफिशिएंट यूज हो। इसी की वजह से सिक्योरिटीज की प्राइस भी डिसाइड होती है। यहाँ पर हम लोग इजीली हमारे फाइनेंशियल असेट्स यानी कि सिक्योरिटीज, शेयर्स, डिबेंचर्स वगैरह को सेल करके उन्हें कैश में कन्वर्ट करवा सकते हैं और यहाँ पर हमारी जो ट्रांजैक्शन की कॉस्ट है वो भी कम आती है। फाइनेंशियल मार्केट हमें पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि भाई शेयर्स की क्या प्राइस है, डिबेंचर्स की क्या प्राइस है, हमें कितना डिविडेंड मिलेगा, कितना इंटरेस्ट मिलेगा, मार्केट के अंदर कौन कौन सी सिक्योरिटीज अवेलेबल है, किन कंपनीज के शेयर्स की प्राइजेस इंक्रीज हो रही है, किन की डिक्रीज हो रही है, हमें कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये हमें पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देता है। उसके बाद में हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करी कि फाइनेंशियल मार्केट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। 1 इज कैपिटल मार्केट एंड अनदर इज मनी मार्केट। देखो, अगर बिजनेस फर्म्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है तो वो जिन इंस्ट्रूमेंट्स की हेल्प से पैसा मार्केट से उठाते हैं, मार्केट से जो पैसा रेज करते हैं, उन इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है, ये भाई किसके इंस्ट्रूमेंट्स हैं? मनी मार्केट के। क्या समझे? अगर बिजनेस फर्म्स को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, से 1 ईयर के लिए अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है, 1 ईयर बाद में वो हमारा पैसा हमें वापस रिटर्न कर देंगे, रिडीम कर देंगे, तो उस मार्केट को हम बोलते हैं मनी मार्केट। वो पैसा कहाँ से रेज करते हैं? मनी मार्केट से। बट अगर बिजनेस फर्म्स को 1 ईयर से ज्यादा पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो शेयर्स इशू करते हैं, डिबेंचर्स इशू करते हैं, बॉन्ड्स इशू करते हैं, म्यूचुअल फंड्स इशू करते हैं, क्योंकि यहाँ पर वो हमारे पैसे को लंबे टाइम के लिए यूज करेंगे, 1 साल से ज्यादा के लिए यूज करेंगे। इन दैट केस हम उस मार्केट को कहते हैं कैपिटल मार्केट। तो समझ में आ गया, अगर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो हम कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं? मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। जैसा कि कल मैंने आपको बताया था, ट्रेजरी बिल्स हो गया, कमर्शियल बिल्स हो गया, कमर्शियल पेपर हो गए, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया। वहीं अगर लंबे टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है तो फिर हम कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज करते हैं? बिजनेस फर्म शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स वगैरह इशू करके मार्केट से पैसा रेज करते हैं और उस मार्केट को बोला जाता है कैपिटल मार्केट। तो ये दोनों हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे कि मनी मार्केट क्या है और कैपिटल मार्केट क्या है। अब हम लोगों ने देखा भाई कैपिटल मार्केट को भी फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। 1 इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट। और आज यही हम लोग पढ़ने वाले हैं। कैपिटल मार्केट यानी कि एक ऐसा मार्केट, अगर बिजनेस फर्म्स को लंबे टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, 1 साल से ज्यादा के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, वो 1 साल के अंदर अंदर उस पैसे को रिटर्न नहीं कर सकते, तो वो कैसे इंस्ट्रूमेंट्स इशू करते हैं? शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। और इस कैपिटल मार्केट को 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। 1 इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंड इज सेकेंडरी मार्केट। अब ध्यान से समझना प्राइमरी मार्केट क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट क्या होता है। देखो, ये एक कंपनी है, ये एक कंपनी है, कंपनी ने किसी एक्स पर्सन को शेयर्स इशू करे, कंपनी ने किसी एक्स पर्सन को शेयर्स इशू करे, जो शेयर्स है, डिबेंचर्स है, बॉन्ड्स है, इन सबको ही हम सिक्योरिटीज बोलते हैं। तो कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज इशू करी एक्स को, तो सिक्योरिटीज इशू करी, सबको शेयर्स इशू करे, एक्स बदले में क्या देगा, कंपनी को पे करेगा, एक्स ने क्या दिया, कैश दिया। तो जब डायरेक्टली कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, कंपनी डायरेक्टली सिक्योरिटीज इशू कर रही है, इन दैट केस हम उस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। क्या कहते हैं, प्राइमरी मार्केट। यहां पर कंपनी ने डायरेक्टली एक्स एक इन्वेस्टर था, उसे अपनी सिक्योरिटीज इशू करी, कंपनी के पास में पैसा आया, कंपनी इस पैसे को यूज करेगी, इस पैसे से कंपनी नया लैंड खरीद सकती है, प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करवा सकती है, नया प्रोडक्ट लॉन्च कर सकती है, अपने बिजनेस को और एक्सपैंड कर सकती है, कैसे भी इस पैसे को कंपनी यूज करेगी। इन दैट केस हम इस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। समझ में आती है बातें। अब सपोज एक्स के पास में क्या है, वो सिक्योरिटीज है, एक्स के पास में क्या है, शेयर्स है, कितने शेयर्स है, सपोज एक्स के पास में 50 शेयर्स है, और कितने रुपए के शेयर है, एक शेयर है 10 रुपए का। समझ में आती है बातें। अब एक्स के पास में कभी पैसे की कमी आ जाती है और एक्स को मनी की रिक्वायरमेंट है, तो एक्स क्या करेगा, अपने शेयर्स को किसी और को सेल कर देगा। तो एक्स ने मार्केट के अंदर वाई को ये शेयर्स सेल कर दिए। एक्स ने बोला वाई से, यार मुझे पैसों की जरूरत है, तुम क्या इस कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहते हो? तो वाई ने बोला हाँ भाई मैं खरीदना चाहता हूँ। एक्स ने अपने शेयर्स किसे सेल कर दिए, वाई को सेल कर दिए, और बदले में वाई ने एक्स को पेमेंट कर दी। इन दैट केस अब जो मार्केट अराइज होता है, इस मार्केट को हम प्राइमरी मार्केट नहीं बोलेंगे, इस मार्केट को बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। तो समझ में आया, जब कंपनी सिक्योरिटीज इशू करती है डायरेक्टली अपने इन्वेस्टर्स को, ताकि कंपनी फर्दर उस पैसे को इन्वेस्ट कर सके, कहीं ना कहीं लगा सके, कुछ परचेज कर सके, उस टाइम हम उस मार्केट को बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। बट जब आपस में इन्वेस्टर्स ही उन शेयर्स को सेल परचेज करते हैं, यहाँ पर एक्स ने अपने शेयर्स बेच दिए वाई को, अब वाई को कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वाई जेड को सेल कर देगा। तो जब इन्वेस्टर्स आपस में शेयर्स, सिक्योरिटीज, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, किसी भी चीज को सेल और परचेज करते हैं, उस टाइम पर हम उस मार्केट को प्राइमरी मार्केट नहीं बोलते, तब वो मार्केट बोला जाता है सेकेंडरी मार्केट। आती है बातें समझ में। तो सबसे पहले प्राइमरी मार्केट देखो। प्राइमरी मार्केट इज दैट मार्केट, ये एक ऐसा मार्केट है इन विच सिक्योरिटीज आर सोल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, जहां पर सिक्योरिटीज पहली बार बेची जाती हैं। फर्स्ट टाइम कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज किसे सेल करी, एक्स को सेल करी। तो ये जो मार्केट था, इस मार्केट को हम लोगों ने बोला प्राइमरी मार्केट। इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट, और इस मार्केट को हम लोग न्यू इशू मार्केट भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिक्योरिटीज फर्स्ट टाइम इशू की जाती है। सो इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इशू मार्केट। प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट इन कैपिटल फॉर्मेशन। भाई प्राइमरी मार्केट की वजह से डायरेक्टली कंट्री के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन होता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब इन्वेस्टमेंट। प्राइमरी मार्केट की वजह से कंट्री के अंदर डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट होता है। कैसे होता है, कंपनी को कैश की रिक्वायरमेंट थी, कंपनी ने अपनी सिक्योरिटीज एक्स को सेल करी, एक्स ने बदले में कंपनी को पे करा। अब कंपनी उस पैसे को यूज करेगी, कंपनी उस पैसे को इन्वेस्ट करेगी, कंपनी लैंड खरीदेगी, नया प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल करेगी, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करेगी, पैसे को कहीं ना कहीं लगाएगी। तो यहाँ पर कंपनी डायरेक्टली क्या करी, इन्वेस्टमेंट कर रही है, और इसी इन्वेस्टमेंट को हम बोलते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। एज कंपनी गोज टू इन्वेस्टर्स, कंपनी डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को सिक्योरिटीज सेल करती है और उन फंड्स को यूज करती है प्लांट परचेज करने के लिए, नई मशीनरी इंस्टॉल करने के लिए, नई बिल्डिंग खरीदने के लिए। तो यहाँ पर कंट्री के अंदर डायरेक्टली क्या होती है, कैपिटल फॉर्मेशन। वहीं सेकंड आता है हमारा सेकेंडरी मार्केट, और इसी सेकेंडरी मार्केट को प्यार से बोला जाता है स्टॉक एक्सचेंज। क्या कहते हैं, स्टॉक एक्सचेंज। ये स्टॉक एक्सचेंज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एक सेपरेट टॉपिक है, जिसे हम लोग कल वाले वीडियो के अंदर बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो समझो सेकेंडरी मार्केट होता क्या है। Secondary market is the market for sale and purchase of previously issued और सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। क्या समझे, ये एक ऐसा मार्केट है जहां पर वो सिक्योरिटीज सेल और परचेज होती हैं जो ऑलरेडी इशू हो चुकी हैं। कंपनी ने ऑलरेडी सिक्योरिटीज इशू करी थी, किसको, एक्स को। तो ये सिक्योरिटीज अब क्या है, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज है, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज है। अगर एक्स इन्हें वाई को सेल करता है, वाई जेड को सेल करता है, जेड किसी और को सेल करता है, तो अब इस मार्केट को हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी मार्केट, क्योंकि यहाँ पर कौन सी सिक्योरिटीज का सेल और परचेज हो रहा है, उन सिक्योरिटीज का जो ऑलरेडी इशू हो चुकी है, जिन्हें हम लोग कहते हैं सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज। In secondary market, securities are not directly issued by the company to the investors. यहाँ पर securities directly company अपने investors को issue नहीं कर रही है, बल्कि investors ही आपस में securities को sell और purchase कर रहे हैं. These securities are sold by the existing investors to the existing investors through intermediary called broker. यहाँ पर क्या होता है, company directly जो अपनी securities है वो investors को sell नहीं करती, बल्कि existing investor किसी दूसरे इन्वेस्टर को सिक्योरिटी सेल या परचेज कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ अ ब्रोकर. एक्स को सिक्योरिटी सेल करनी है, उसे पैसे की रिक्वायरमेंट है. वाई को सिक्योरिटीज परचेज करनी है. तो इन दोनों को आपस में मिलाएगा कौन, इन दोनों को आपस में कौन मिलाएगा, तो इनके बीच में एक इंटरमीडियरी होता है जिसे बोला जाता है ब्रोकर. क्या कहते हैं, ब्रोकर. ये ब्रोकर क्या करेगा, एक्स की सिक्योरिटीज को परचेज करके किसको सेल करेगा, वाई को सेल करेगा, जिसके लिए ये ब्रोकर इन दोनों से कुछ ना कुछ अमाउंट एज अ कमीशन चार्ज करता है. तो समझ में आया कि प्राइमरी मार्केट क्या होता है और सेकेंडरी मार्केट क्या होता है. सेकेंडरी मार्केट का दूसरा नाम है स्टॉक एक्सचेंजेस. अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट भी देख लिया हम लोगों ने क्या होता है, सेकेंडरी मार्केट भी देख लिया हम लोगों ने क्या होता है. बात करते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है. तो देखो, टाइप ऑफ सिक्योरिटीज. प्राइमरी मार्केट में कौन सी सिक्योरिटीज इशू करी जाती है, देयर इज अ सेल ऑफ न्यू सिक्योरिटीज. यहाँ पर न्यू सिक्योरिटीज इशू करी जाती है जो कंपनी डायरेक्टली इशू करती है अपने इन्वेस्टर्स को. वहीं सेकेंडरी मार्केट के अंदर क्या हुआ, एक्स ने अपनी सिक्योरिटीज सेल करी किसको, वाई को. वाई को कभी पैसे की जरूरत पड़ेगी, वाई अपनी सिक्योरिटी सेल करेगा जेड को. जेड को कभी पैसे की रिक्वायरमेंट होगी तो जेड अपनी सिक्योरिटी सेल करेगा पी को. तो देयर इज अ सेल ऑफ सेकंड हैंड और एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज. यहां पर सेकंड हैंड यानी कि एग्जिस्टिंग सिक्योरिटीज को सेल और परचेज किया जाता है. कौन इशू करता है, इशूड बाय. यहां पर सिक्योरिटीज डायरेक्टली कौन इशू कर रही है, कंपनी इशू कर रही है. वही सिक्योरिटीज आर ट्रांसफर्ड बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली. यहाँ पर इन्वेस्टर्स आपस में ही सिक्योरिटीज को सेल और परचेज कर रहे हैं, यहाँ पर कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है. कैपिटल फॉर्मेशन. कैपिटल फॉर्मेशन का दूसरा नाम होता है इन्वेस्टमेंट. क्या नाम होता है, इन्वेस्टमेंट. प्राइमरी मार्केट डायरेक्टली कॉन्ट्रीब्यूट्स इन कैपिटल फॉर्मेशन. प्राइमरी मार्केट के अंदर कंट्री के अंदर डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है, यानी कि इन्वेस्टमेंट होती है, क्योंकि कंपनी डायरेक्टली सिक्योरिटीज इशू किसे करती है, अपने इन्वेस्टर्स को, और उस अमाउंट को कंपनी खुद यूज करती है कोई नई मशीनरी इंस्टॉल कराने के लिए, कोई प्लांट इंस्टॉल कराने के लिए, नया पीस ऑफ लैंड खरीदने के लिए. तो यहाँ पर फंड्स का ट्रांसफर होता है सरप्लस यूनिट से डेफिसिट यूनिट्स के बीच में. वो लोग जिनके पास में बहुत सारा पैसा है, सरप्लस यूनिट्स, वो अपना पैसा डायरेक्टली किसको देते हैं, कंपनी को देते हैं, यानी कि बिजनेस फर्म्स को देते हैं, डेफिसिट यूनिट्स को, और वो उस पैसे को यूज करते हैं, फर्दर इन्वेस्टमेंट करते हैं, नया पीस ऑफ लैंड खरीदते हैं, नई मशीनरी इंस्टॉल कराते हैं. तो यहाँ पर कंट्री के अंदर डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन होता है. जबकि सेकेंडरी मार्केट के अंदर कैपिटल फॉर्मेशन इनडायरेक्टली होता है. यहाँ पर डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर जो सिक्योरिटीज हैं वो सेल और परचेज होती हैं बिटवीन इन्वेस्टर्स ओनली. एक्स ने सिक्योरिटीज वाई को सेल करी, वाई ने जेड को करी, जेड ने कभी पी को कर दी. तो यहाँ पर सिक्योरिटीज का सेल और परचेज हो रहा है सिर्फ इन्वेस्टर्स के बीच में ही, सिर्फ सरप्लस यूनिट्स के बीच में ही. तो यहाँ पर कैपिटल फॉर्मेशन डायरेक्टली नहीं होती, हालांकि इनडायरेक्टली हो जाती है. बात करते हैं प्राइस की. तो सिक्योरिटीज की प्राइस कौन डिसाइड करता है, यहाँ पर सिक्योरिटीज की प्राइस कौन डिसाइड करती है, खुद कंपनी. मैनेजमेंट ऑफ कंपनी खुद डिसाइड करती है कि भाई हमें हमारी सिक्योरिटीज, हमारे शेयर्स, हमारे डिबेंचर्स, हमारे बॉन्ड्स कितने में सेल करने हैं. जबकि यहाँ पर सिक्योरिटीज की प्राइस कैसे डिसाइड होती है, सिक्योरिटीज की मार्केट के अंदर डिमांड कितनी है और सप्लाई कितनी है. जिस कंपनी के शेयर्स, डिबेंचर्स की मार्केट के अंदर डिमांड ज्यादा है वो सिक्योरिटीज महंगी हो जाएंगी, जिनकी मार्केट के अंदर डिमांड कम है वो सिक्योरिटीज सस्ती हो जाएंगी. तो प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज आर फिक्स्ड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस. यहाँ पर डिमांड और सप्लाई के हिसाब से प्राइसेस डिसाइड होती हैं. यहाँ पर अब कंपनी का कोई रोल नहीं होता. हाँ भाई, जो कंपनी की गुडविल अच्छी है, जो प्रोग्रेस कर रही है, जिस कंपनी का बहुत नाम है, उस कंपनी के शेयर्स महंगे हो जाते हैं. जिस कंपनी की गुडविल खराब है, कंपनी की रेपुटेशन खराब है, उस कंपनी के शेयर सस्ते हो जाते हैं. तो डिमांड और सप्लाई के हिसाब से यहाँ पर प्राइस डिसाइड की जाती है. एंट्री की बात करते हैं. All companies enter the primary market to raise capital for their operation. भाई पैसे के लिए सारी ही कंपनीज जो हैं वो इन्वेस्टर्स को अपने शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स वगैरह इशू करती हैं. तो सारी ही कंपनीज जो हैं वो प्राइवेट मार्केट में एंटर करती हैं ताकि वो मार्केट से पैसा उठा सके अपने ऑपरेशंस को, अपने डे टू डे एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए. बट याद रखना, सेकेंडरी मार्केट के अंदर उन्हीं सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होता है जो सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड सिक्योरिटीज है। क्या समझे? ओनली लिस्टेड कंपनी सिक्योरिटीज आर बॉट एंड सोल्ड इन द सेकेंडरी मार्केट। देखो सेकेंडरी मार्केट के अंदर सेल और परचेज किसके बीच में हो रहा है? इन्वेस्टर्स के बीच में। यहाँ पर कंट्री का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो यहाँ पर उन्हीं कंपनीज के शेयर्स का सेल और परचेज होगा जो कंपनीज लिस्टेड कंपनीज है, जिन कंपनीज के शेयर्स ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, जो लिस्टेड कंपनीज है। सेबी जानते हो, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, उसके अंदर कंपनी को अपने शेयर्स को लिस्ट करवाना पड़ता है, अपनी सिक्योरिटीज को लिस्ट करवाना पड़ता है, रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। सेबी अगर लिस्ट कर देगा, सेबी कह देगा हाँ भाई ये लिस्टेड शेयर्स है, मैं परमिशन देता हूं कि इन शेयर्स को आप सेकेंडरी मार्केट में सेल और परचेज कर सकते हो, तो ही वो शेयर सेकेंडरी मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स के बीच में सेल और परचेज किए जाएंगे, अदरवाइज नहीं किए जाएंगे। तो ये याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। प्राइमरी मार्केट के अंदर तो सारी कंपनीज एंटर कर सकती हैं, प्राइमरी मार्केट के थ्रू सारी ही कंपनी शेयर्स इशू कर सकती है, सिक्योरिटीज इशू करके मार्केट से पैसा ले सकती हैं, बट सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिर्फ उन्हीं सिक्योरिटीज का सेल और परचेज होता है जिन कंपनीज की सिक्योरिटीज सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अंदर लिस्टेड है, रजिस्टर्ड है। ज्योग्राफिकल लोकेशन की अगर हम लोग बात करें तो नो फिक्स्ड लोकेशन, इसकी कोई फिक्स्ड लोकेशन नहीं है। सारे बैंक, सारे इंस्टीट्यूशन, सारे इन्वेस्टर्स कॉन्स्टिट्यूट प्राइमरी मार्केट, इसके अंदर सब बैंक, सारे इंस्टीट्यूशन, सारे ऑर्गेनाइजेशंस आ जाते हैं, इसकी कोई फिक्स्ड ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। बट सेकेंडरी मार्केट का फिक्स्ड लोकेशन है, फिक्स्ड एरिया है और फिक्स्ड वर्किंग आवर्स है। फॉर एग्जांपल सुबह 9 बजे से लेकर शाम के 5:15 बजे तक सेकेंडरी मार्केट खुला रहता है, आप सेकेंडरी मार्केट के अंदर सिक्योरिटीज के अंदर ट्रेड कर सकते हो, सेल और परचेज कर सकते हो। तो इसका एरिया भी फिक्स्ड है और इसके वर्किंग आवर्स भी फिक्स है। तो समझ में आया प्राइमरी मार्केट है क्या और सेकेंडरी मार्केट क्या है। अगर कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज को इशू करती है डायरेक्टली अपने इन्वेस्टर्स को, तो हम उस मार्केट को बोलते हैं भाई ये प्राइमरी मार्केट है। अब कंपनी ने इशू कर दिए शेयर्स, किसी इन्वेस्टर के पास में है, इन्वेस्टर को अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो वो किसी और को शेयर सेल करेगा, उसे किसी पैसे की जरूरत है वो किसी और को सेल कर देगा। तो जब इन्वेस्टर्स आपस में सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हैं, इन दैट केस हम उस मार्केट को बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। और एक कंडीशन है, सेकेंडरी मार्केट के अंदर उसी कंपनी के सिक्योरिटीज सेल और परचेज किए जाएंगे जिस कंपनी की सिक्योरिटी सेबी के अंदर लिस्टेड है, अदरवाइज नॉट। एक टॉपिक और करते हैं आज की क्लास के अंदर, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट के अंदर डिफरेंस। देखो मनी मार्केट मैंने क्या बताया, अगर कंपनी को शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, फॉर एग्जांपल 1 ईयर तक के लिए पैसों की रिक्वायरमेंट है, विद इन 1 ईयर कंपनी जो है वो पैसा पे बैक कर देगी आपसे। अगर कंपनी ने पैसा लिया है तो 1 ईयर के अंदर अंदर कंपनी उस पैसे को रिटर्न कर देगी, रिडीम कर देगी, तो उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं मनी मार्केट। बट अगर कंपनी को लंबे टाइम के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, 1 साल से ज्यादा के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट है, तो उस मार्केट को हम लोग बोलते हैं कैपिटल मार्केट। तो सबसे पहले पार्टिसिपेंट्स की हम लोग बात कर लेते हैं। मनी मार्केट के अंदर पार्टिसिपेंट्स कौन है? द पार्टिसिपेंट्स इन मनी मार्केट आर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन आ जाते हैं, सारे बैंक्स आ जाते हैं, सारी पब्लिक और प्राइवेट कंपनीज आ जाती हैं, गवर्नमेंट कंपनीज भी आ जाती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी आ जाती हैं। तो याद रखना है मनी मार्केट के अंदर सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आते हैं, बैंक्स आते हैं, पब्लिक कंपनीज आती हैं, प्राइवेट कंपनीज आती हैं। कौन नहीं आते वो याद रखना, फॉरेन एंड ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स डू नॉट पार्टिसिपेट इन मनी मार्केट। मनी मार्केट के अंदर 2 कैटेगरीज नहीं आती, एक तो फॉरेन इन्वेस्टर्स नहीं आते और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स इसके अंदर नहीं आते, तो ये आपको याद रखना है। वहीं अगर हम कैपिटल मार्केट की बात करें तो कैपिटल मार्केट में सब आ जाते हैं, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं, सारे बैंक्स भी आ जाते हैं, सारी पब्लिक कंपनीज भी आ जाती हैं, सारी प्राइवेट कंपनीज भी आ जाती हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स भी आ जाते हैं। तो एक ही चीज आपको याद रखनी है, यहाँ पर फॉरेन और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स नहीं आए, यहाँ पर फॉरेन और ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर्स भी आते हैं। ड्यूरेशन की बात करें तो यहाँ पर कौन सी सिक्योरिटीज इशू करी जाती हैं जिनका मैक्सिमम टेन्योर कितने साल का होगा, 1 साल तक का। 1 साल के अंदर अंदर आपको इन सिक्योरिटीज को रिडीम करना पड़ेगा, यानी कि 1 साल के अंदर अंदर इनकी मैच्योरिटी हो जाती है, 1 साल के अंदर अंदर आपको सामने वाले को उसका पैसा वापस करना पड़ेगा। जबकि यहाँ पर कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं, यहाँ पर आती हैं मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। कौन सी? मीडियम और लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज। इंस्ट्रूमेंट्स की बात करें तो मैंने कल भी आपको बताया था 5 इंस्ट्रूमेंट्स के नाम आपको याद रखने हैं, डिटेल में नहीं जाना हमारे कोर्स में नहीं है। मनी मार्केट के कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं, एक है कॉल मनी, एक है कमर्शियल बिल, एक है ट्रेजरी बिल, एक है कमर्शियल पेपर और एक है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो याद रखना है कॉल मनी हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। जबकि कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स कौन से हैं आप सब जानते हो, शेयर्स हो गए, डिबेंचर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। ये है कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट जिनको एक साल के अंदर अंदर रिडीम नहीं करना होता। एक साल से ज्यादा टाइम के लिए भी कंपनी इस पैसे को यूज कर सकती है, जिनकी मैच्योरिटी लंबे टाइम की होती है। इन्वेस्टमेंट आउटले की बात करें, द इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मनी मार्केट आर एक्सपेंसिव, सो ह्यूज इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। अब ध्यान से देखना, ये जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी मार्केट के, ये यहाँ पर ज्यादा पैसा खर्च होता है, ये इंस्ट्रूमेंट्स एक्सपेंसिव होते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट होती है। अब ध्यान से समझना, द इन्वेस्टमेंट इन कैपिटल मार्केट डज नॉट रिक्वायर ह्यूज इन्वेस्टमेंट, जबकि कैपिटल मार्केट के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती। क्यों नहीं लगती? सपोज मुझे शेयर खरीदना है, तो भाई अगर मुझे मान लो एक शेयर खरीदना है, तो एक शेयर की प्राइस 10 रुपए से चालू होती है बेसिकली और 100 रुपए तक की होती है, 100 से ज्यादा की भी होती है, 150 की भी होती है, 120 की भी होती है। बट अगर मुझे एक शेयर खरीदना है तो एक शेयर 10 से लेकर 100 रुपए के बीच में अप्रॉक्स मिल जाता है। मुझे 5 शेयर खरीदने हैं, पर शेयर 10 रुपए का होगा या फिर 100 रुपए तक का होगा, तो यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए होती, पर शेयर की प्राइस कमी होती है 10 रुपए से लेकर 100 रुपए के बीच में, तो यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जबकि मनी मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। लिक्विडिटी की अगर हम बात करें, लिक्विडिटी मतलब उसे कैश में कन्वर्ट करना। मेरे पास में गोल्ड है, मेरे पास में शेयर्स है, मुझे पैसे की जरूरत है, मैंने मेरे शेयर्स को मार्केट में सेल कर दिया, मेरे गोल्ड को मार्केट में सेल कर दिया, मेरे पास में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा। तो जब हम हमारी सिक्योरिटीज को कैश में कन्वर्ट करा सकते हैं उसे लिक्विडिटी बोला जाता है। तो कौन से लिक्विड ज्यादा है? देयर इज हायर डिग्री ऑफ लिक्विडिटी। मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स है ना, ये कॉल मनी हो गया, कमर्शियल बिल हो गया, कमर्शियल पेपर हो गया, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया, ये ज्यादा लिक्विड है, आप इन्हें ज्यादा इजीली कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो। जबकि कैपिटल मार्केट की जो सिक्योरिटीज हैं, शेयर्स, डिबेंचर्स, म्यूचुअल फंड्स, बॉन्ड्स वगैरह, ये कंपैरेटिवली लेस लिक्विड हैं, इन्हें आप इजीली मार्केट में सेल नहीं कर सकते, कर सकते हो बट इसके कंपैरिजन में ये कम लिक्विड है, ये जल्दी से कैश में कन्वर्ट हो सकते हैं, इन्हें कैश में कन्वर्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है, बीच में ब्रोकर होता है, एक दलाल होता है जिसके थ्रू आप अपनी सिक्योरिटीज को सेल या परचेज करते हो, उसे भी कमीशन देना पड़ता है, पता नहीं कब हमारी सिक्योरिटी सेल और परचेज हो, मैं बेचना चाहती हूँ, मुझे मिल ही नहीं रहा कस्टमर जो उन शेयर्स को खरीदेगा इन्वेस्टर, तो यहाँ पर लिक्विडिटी क्या है, थोड़ी सी कम है। बात करते हैं अगर हम सेफ्टी की, तो मनी मार्केट के जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो कम रिस्की हैं, उनकी प्राइस के अंदर इतना ज्यादा फ्लक्चुएशन नहीं होता, यहाँ पर रिस्क कम है। जबकि जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट है वो आप लोग भी जानते हो, शेयर्स वगैरह कितने रिस्की होते हैं, कभी भी किसी कंपनी के शेयर्स की प्राइसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाती है, इकोनॉमी थोड़ी सी डाउन गई, शेयर्स की प्राइस बहुत स्पीड से डिक्रीज होती है, तो ये जो कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये रिस्की भी ज्यादा है, रिस्पेक्ट टू रिटर्न एज वेल एज रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल रीपेमेंट। कंपनी को अगर प्रॉफिट होगा तो कंपनी शेयर्स पे डिविडेंड ज्यादा देगी, कंपनी को अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी डिविडेंड भी कम देगी, तो यहाँ पर रिस्क ज्यादा है, यहाँ पर रिस्क कम है, ये चीज याद रखनी है। अच्छा, अगर रिस्क के साथ में आप रिटर्न देखो तो ऑब्वियसली बात है, बिजनेस स्टडीज के अंदर अगर रिस्क कम है तो भाई आपको रिटर्न भी कम मिलेगा, आपको वहां पर प्रॉफिट भी कम होगा। अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा, तो ये याद रहेगा, रिस्क कम है तो यहाँ पर एक्सपेक्टेड रिटर्न भी कम है, अगर आप रिस्क ज्यादा ले रहे हो तो यहाँ पर आपको रिटर्न भी ज्यादा मिलेगा। हो सकता है कंपनी को किसी साल बहुत सारा प्रॉफिट हो गया तो कंपनी आपको बहुत ज्यादा डिविडेंड दे दे, हो सकता है कंपनी को प्रॉफिट नहीं हुआ, कंपनी आपको डिविडेंड भी कम देगी। तो कम रिस्क कम रिटर्न, ज्यादा रिस्क ज्यादा रिटर्न। लास्ट है टाइप ऑफ कैपिटल। देखो, कंपनी को खुद की वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए, वर्किंग कैपिटल यानी कंपनी को अपने डे टू डे ऑपरेशंस को करने के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज को चलाने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। तो अपने डे टू डे ऑपरेशंस के लिए, डे टू डे एक्टिविटीज को कंडक्ट करने के लिए जो पैसे की रिक्वायरमेंट होती है, तो कंपनी पैसा कहाँ से रेज करती है? मनी मार्केट से। कैसे? इंस्ट्रूमेंट्स इशू करके। ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स, कॉल मनी, कमर्शियल बिल, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। बट अगर कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल के लिए पैसे की जरूरत है, फिक्स्ड कैपिटल यानी कंपनी को कोई नया पीस ऑफ लैंड खरीदना है, कंपनी को प्लांट और मशीनरी इंस्टॉल कराने हैं, अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना है, नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, नया डिपार्टमेंट स्टार्ट करना है, किसी दूसरी कंट्री के अंदर बिजनेस सेटअप करना है, तो अगर कंपनी को फिक्स्ड कैपिटल की रिक्वायरमेंट के लिए पैसे की जरूरत है, इन दैट केस कंपनी पैसा कहां से रेस करती है? कैपिटल मार्केट से, इन सारे इंस्ट्रूमेंट्स को इशू करके, जो भी उसकी चॉइस है, चाहे वो शेयर्स इशू करे, चाहे डिबेंचर्स इशू करे, चाहे वो बॉन्ड्स इशू करे, म्यूचुअल फंड्स इशू करे। तो समझ में आया क्या होता है मनी मार्केट, क्या होता है कैपिटल मार्केट। अब देख लेते हैं आज हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने देखा कि कैपिटल मार्केट को फर्दर 2 कैटेगरीज में डिवाइड करा है। जब सिक्योरिटीज डायरेक्टली कंपनी इशू करती है इन्वेस्टर्स को, उस केस में हम उस मार्केट को कहते हैं प्राइमरी मार्केट। बट जब इन्वेस्टर्स आपस में ही सिक्योरिटीज को सेल और परचेज करते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। फिर हम लोगों ने डिफरेंस देखा, भाई प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट में क्या डिफरेंस है, और फिर देखा हम लोगों ने कि मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में क्या डिफरेंस है। अब देखो कल क्या पढ़ेंगे, कल हम लोग एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे इस चैप्टर का। कल हम लोग बात करेंगे स्टॉक एक्सचेंज की, और स्टॉक एक्सचेंज के अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, तो कल वाली क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है। कल स्टॉक एक्सचेंज की बात करेंगे। देन परसों वाली क्लास के अंदर हम लोग बात करेंगे सेबी की, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि कल वाली क्लास से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नेक्स्ट 2 क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आप लोगों के लिए। आपको क्या करना है, तब तक यहाँ तक का अच्छे से पढ़ के रखना है, नोट्स बना के रखने हैं, मुझे कॉमेंट्स में आंसर्स लिखते रहा करो कि भाई ये डिफरेंस है, ये डेफिनेशन है, तो मुझे पता रहेगा आप लोग मेरे साथ में पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे। मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। बाय फॉर नाउ।